हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अब बाण की कौन सी महत्वाकांक्षा शेष रह गई है? शौर्य और ऐश्वर्य उसके पास है, यश और राज भी उसने प्राप्त कर लिया है। देवता, गंधर्व, यक्ष सहित समस्त लोकों के वीरों, महावीरों पर विजय प्राप्त कर चुका है, फिर किस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए तपस्या कर रहा है? देवी, इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती। दानव हो या मानव, इच्छाओं के जाल से निकल नहीं पाता है। वो हमारा पुत्र है, इसका ये अर्थ नहीं कि हम उसकी हर इच्छा को पूरा करें। अब किस कारण तुम तपस्या कर रहे हो वत्स? क्या तुम्हारे मन में इंद्र के सिंहासन को पाने की इच्छा हो गई है? नहीं मातेश्वरी। कहीं तुम्हें अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा तो नहीं है? नहीं मातेश्वरी। फिर किस फल प्राप्ति की इच्छा से तुम तपस्या कर रहे हो वत्स? बोलो वत्स, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। युद्ध, महायुद्ध, यही मेरी महत्वाकांक्षा है प्रभु। महायुद्ध की महत्वाकांक्षा? हाँ आदिदेव, मैं युद्ध के बिना जी नहीं सकता। एक बार अहंकार ने मन पर कब्जा कर लिया तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, दानव दानव नहीं रहता, वो तो अहंकार का ही एक व्यक्त रूप बन जाता है। देवी, इस अहंकार की भूख अत्यंत ज्वलंत है। मन पर विजय पाते ही अहंकार मनुष्य के विवेक को पहले खा जाता है और साथ साथ मनुष्य के सद्गुणों को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए सद्विचारी सद्गुणी भी अहंकार की माया के अधीन हो जाते हैं। मेरे भक्त भी अहंकार रूपी दानव की शक्ति के आगे घुटने टेक देते हैं। जानती हूँ प्रभु, दाऊ भैया, युधिष्ठिर, अर्जुन आदि भक्तों के अहंकार का आप ही ने तो नाश किया है और अब बाणासुर के अहंकार का नाश भी आप ही करेंगे। मैं नहीं, हमारा पोता अनिरुद्ध। अनिरुद्ध? हाँ देवी, अनिरुद्ध। परंतु महादेव शिव शंकर और उनके पुत्र कार्तिकेय से अनुग्रहित हुए बलवान बाणासुर से अनिरुद्ध कैसे टक्कर ले पाएगा प्रभु? देवी, बाणासुर की पुत्री उषा अनिरुद्ध के लिए अनुरूप है। अच्छा, तो ये दूसरा चित्र देखो। नहीं चित्रलेखा, अब और नहीं। देख तो लो उषा, इसकी चितवन कितनी तीखी है, कदाचित तुम्हारे मन को भी भा जाए तो महाराज बाणासुर के आते ही तुम्हारा विवाह हो जाएगा। नहीं चित्रलेखा, ये असंभव है। परंतु क्यों असंभव है? देखो चित्रलेखा, चित्र देखने से चरित्र दिखाई नहीं देता। हाँ, यदि मनुष्य सन्मुख हो तो मन स्वयं ही आंक लेता है कि वो सज्जन है या दुर्जन, इसलिए चित्र देखने से क्या लाभ। वैसे भी मैं अपने जीवन साथी का चयन स्वयं करने नहीं जाती। माताश्री, अब क्या इन राजकुमारों को भी तुमने अपनी ठोकर में रख दिया? राजकुमारी उषा, अब क्या तुम्हारे लिए गंधर्व लोक से कोई गंधर्व आएगा?
या फिर स्वर्गलोक से कोई देवता उतरेगा? ओ माताश्री। मत कहो मुझे माताश्री, तुम तो अपने पिता महाराजा बाणासुर की ही पुत्री हो, उन्हीं की भांति घमंडी। उन्हें अपनी शक्ति पर घमंड है तो तुम्हें अपनी सुंदरता पर। नहीं माताश्री, मुझे अपने सौंदर्य पर घमंड नहीं है। तुम तो चुपी रहो। और हाँ चित्रलेखा, तुम तो इसकी सखी हो, ये तुम्हारी हर बात मानती है, इसीलिए मैंने तुम्हें इसे समझाने के लिए कहा था। परंतु महारानी, राजकुमारी जब एक बार हठ पकड़ लेती है ना, तो फिर किसी की नहीं सुनती। मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु अगर ये नहीं मानती तो मैं क्या करूं? ओ माताश्री, अब व्यर्थ ही मेरे विवाह की चिंता करती हैं। पुत्री, एक माता अपनी पुत्री के विवाह की चिंता नहीं करेगी तो फिर और कौन करेगा पुत्री? माता पार्वती, और कौन? वो जब चाहेंगी तब मेरा विवाह होगा। तेरी हट के आगे तो तेरे पिताश्री ही जीत पाएंगे। अब की बार वो तेरा विवाह करे बिना बिल्कुल नहीं मानेंगे। आने तो उन्हें, मैं उनसे ही बात कर लूंगी। दैत्यराज बाणासुर की जय! दैत्यराज बाणासुर की जय! असुरराज बाणासुर की जय! वो आ गए। असुरराज बाणासुर की जय! दैत्यराज बाणासुर की जय! ये तो तुम्हारे विवाह के ही बाजे लगते हैं। महारानी ने सत्य ही कहा था, दैत्यराज बाणासुर अब तुम्हारा विवाह करा के ही छोड़ेंगे। महाराज को अपनी विजय की बधाई हो। नहीं महारानी नहीं, भला बिना युद्ध के जीत भी कोई जीत है? मैं युद्ध प्रेमी अपनी प्रेमिका के दर्शन के बिना तड़प रहा हूं। युद्ध मेरी आत्मा की पुकार बनकर रह गई है। युद्ध, युद्ध के लिए ललकारते ललकारते मैंने सारी धरती खंगाल डाली, परंतु कोई माई का लाल मेरे सामने आने और मेरी तलवार से अपनी तलवार लड़ाने को तैयार नहीं। मेरी तलवार ने जो युद्ध का सपना देखा था वो सपना अधूरा रह गया महारानी, वो सपना अधूरा रह गया। पिताश्री, ये तो अच्छी बात है ना कि रक्त के एक बूंद बहाए बिना ही आपको विजयश्री प्राप्त हो गई है। तुम कुछ नहीं जानती राजकुमारी उषा कि युद्ध का मजा क्या होता है। बिना लड़े हथियार डाल देने वाले योद्धाओं को देखकर सारा मजा किरकिरा हो जाता है। शेर को पालतू बिल्ली की तरह दुम दबाते देखने में मजा नहीं है, मजा तो तब आता है जब शेर से पंजा लड़ाया जाता है, और मजा आता है उस क्षण जब शेर आंखों में आंखें डालकर दहाड़ता है और देखने वालों के कलेजे पानी हो जाते हैं। परंतु मुझ जैसे ज्याले को शेर की दहाड़ को युद्ध भूमि की ललकार समझकर उसका जब जबड़ा फाड़ डालते हैं तब मजा आता है। मजा शेर को ढेर करने में आता है। मैं युद्ध भूमि पर शेर जैसे योद्धाओं को ढेर करना चाहता हूं, पर लगता है धरती ने शेरों को जन्म देना ही बंद कर दिया है और मेरी तलवार को जंग लग गया है। जंग महामंत्री कुहांड,
कहिए महाराज बाणासुर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? जब युद्ध ही हमसे आंखें चुरा रहा है तो हम इस तलवार का बोझ क्यों उठाएं? जाओ और रक्त की लाली से वंचित मेरे इस अभागन तलवार को शस्त्रागार में डाल दो। जिस दिन युद्ध की घोषणा होगी हम इसे फिर से निकाल कर रक्त से नहलाएंगे और इस अभागन को फिर से सुहागन बनाएंगे। जाओ, जो आज्ञा महाराज। महाराज, आप तलवार को सुहागन बनाने की कह रहे थे। महाराज, अगर सुहागन बनाने की सोच ही रहे हैं तो अपनी पुत्री उषा को सुहागन बनाने की सोचिए। मुझे तो यह असंभव ही लगता है महारानी। असंभव? ये क्या कह रहे हैं आप? महारानी, जब धरती ने ही शौर्यशाली योद्धाओं को जन्म देना छोड़ दिया है तो शूरवीर बाणासुर की वीरांगनी पुत्री को जीवन साथी कहां से मिलेगा? जिन राजाओं महाराजाओं में मुझसे युद्ध करने की शक्ति ही नहीं रही, जिनमें पौरुष ही नहीं रहा, उनमें से किसी भी कायर को मैं अपना जमाई नहीं बना सकता महारानी, नहीं बना सकता। तो फिर राजकुमारी उषा का विवाह कब होगा? माताश्री, आप मेरे विवाह की चिंता छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, माता पार्वती जब चाहेंगी मेरा विवाह होगा। ठीक कह रही है राजकुमारी उषा। अब ये विवाह माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के वरदान से ही होगा। परंतु वो कैसे? महारानी, मैं युद्ध के बिना जी नहीं सकता, इसलिए मैं घोर तपस्या करके भगवान शिव से अपने लिए महायुद्ध का वरदान मांगूंगा और माता पार्वती से अपनी पुत्री उषा के लिए किसी शूरवीर योद्धा को सामने ला खड़ा करने के लिए कहूंगा जो मेरी पुत्री उषा का हाथ थामने के लिए योग्य हो सके। आपकी बातें तो मेरी समझ से बाहर हैं। आप समझने की भी चेष्टा ना करें, बस मेरी तपस्या के लिए जाने का प्रबंध करें। प्रभु, अकारण युद्ध करने और हिंसा में आनंद लेने की प्रवृत्ति दानवी प्रवृत्ति है, परंतु हिंसा प्रेम माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के पुत्र बाणासुर में कहां से आ गया? देवी रुक्मिणी, यह सब प्रारब्ध के खेल हैं। प्रारब्ध हर मनुष्य के कर्मों के फल स्वरूप जो भी दंड देना चाहता है, प्रवृत्ति भी उसी के अनुकूल काम करती है। अर्थात बाणासुर का युद्ध प्रेम असल में उसे अपने अंत की ओर बढ़ा रहा है। हाँ देवी, और जब प्राणी अपने अंत की ओर कदम बढ़ाने लगता है तो उसकी मति भी भ्रष्ट हो जाती है। वो किसी की भी अच्छी बुरी कोई सलाह कोई सीख को स्वीकार नहीं करता, अपने कर्म अनुसार अपने भीषण और भयंकर अंत को अनजाने में अपने कर्मों से न्याय पूर्वक बनाता जाता है। प्रभु, मनुष्य कर्म तो अपनी इच्छा अनुसार करता है, परंतु अपने अंत पर उसकी इच्छा का कोई अधिकार नहीं होता। यही तो समझाने की चेष्टा कर रहा हूं देवी। मनुष्य कर्म अपनी इच्छा से करता है, इसलिए कर्म इच्छाबद्ध है, परंतु प्रारब्ध इच्छाबद्ध नहीं है, वो कर्मबद्ध है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसे ही उसका फल भी मिलेगा। मनुष्य इच्छा करता है कि वो अपने गांव में मरना चाहता है या अपनी प्रेमिका की गोद में अंतिम सांस लेना चाहता है या मरते समय अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, परंतु उसका प्रारब्ध उसे जैसे जब और जहां चाहता है ले जाकर उसका अंत वहीं करता है। इसलिए कहता हूं प्रारब्ध कर्मबद्ध है, इच्छाबद्ध नहीं। आप ठीक कह रहे हैं प्रभु। अब देखते हैं कि बाणासुर का प्रारब्ध उसे कब कैसे और कहां ले जाकर उसका अंत करता है। ओम नमः शिवाय। हे आदिदेव,
हमारा पुत्र बाणासुर देखिए फिर से कठोर तपस्या कर रहा है। देवी पार्वती, केवल सिद्ध योगी ही भगवान को पाने की इच्छा से तप करते हैं, अन्य सभी की तपस्या में स्वार्थ निहित होता है। देवी, सृष्टि कल्याण के लिए तप करने वाले योगी विरला होते हैं और बाणासुर उन महान योगियों में से नहीं है। इसका अर्थ है बाणासुर स्वार्थ से प्रेरित होकर तपस्या कर रहा है। हाँ देवी, स्वार्थ जो महत्वाकांक्षा का ही एक रूप है। परंतु अब बाण की कौन सी महत्वाकांक्षा शेष रह गई है? शौर्य और ऐश्वर्य उसके पास है, यश और राज भी उसने प्राप्त कर लिया है। देवता, गंधर्व, यक्ष सहित समस्त लोगों के वीरों, महावीरों पर विजय प्राप्त कर चुका है, फिर किस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए तपस्या कर रहा है? देवी, इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती। दानव हो या मानव, इच्छाओं के जाल से निकल नहीं पाता है। वो हमारा पुत्र है, इसका ये अर्थ नहीं कि हम उसकी हर इच्छा को पूरा करें। परंतु माता पिता अपने पुत्र में कोई विकार नहीं देखना चाहते, इसलिए यदि बाणासुर के अहंकार का नाश करना है तो उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करनी ही होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो वत्स। हम आ गए हैं वत्स, आंखें खोलो। मैं धन्य हो गया हूं प्रभु, मैं धन्य हो गया हूं। अब किस कारण तुम तपस्या कर रहे हो वत्स? क्या तुम्हारे मन में इंद्र के सिंहासन को पाने की इच्छा हो गई है? नहीं मातेश्वरी। कहीं तुम्हें अमृत प्राप्त करने की इच्छा तो नहीं है? नहीं मातेश्वरी। फिर किस फल प्राप्ति की इच्छा से तुम तपस्या कर रहे हो वत्स? बोलो वत्स, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हे देवाधिदेव, हे आदि माता, आपके आशीर्वाद से मैं पहले ही अजय हो चुका हूं। आप स्वयं मेरी रक्षा करते हैं, इसलिए मृत्यु मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। मुझे प्राप्त आपके आशीर्वाद के सामने मेरे लिए इंद्र पद भी तुच्छ है। मैंने साक्षात देवेंद्र को पराजित किया है। हर युद्ध में मैं ही विजय होता आया हूं। मैंने समस्त लोगों पर विजय पाई है। मेरे शौर्य और सामर्थ्य की धाक दसों दिशाओं में बैठ गई है। इसी कारण हर कोई मेरे सामने अपना सिर झुकाने पर विवश है, चाहे वो कितना ही बड़ा सूरमा क्यों ना हो। परंतु अब कोई मेरे सामने युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। हे महादेव, मयान में विश्राम करने वाली मेरी तलवारें और तुड़ी में रखे मेरे बाण निराश हो चुके हैं। मेरे ये शस्त्र, जिन्हें सदा सर्वदा शत्रुओं के रक्त से स्नान करने की आदत सी पड़ गई है, अब विवश हो चुके हैं और केवल मेरे शस्त्रागारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे आदिनाथ, मेरी ये हजार भुजाएं निष्क्रिय हो चुकी हैं और निष्क्रिय होने के कारण केवल मेरे शरीर का बोझ बढ़ा रही हैं। भारी लगने लगी है मुझे ये भुजाएं। वत्स बाणासुर, अंततः तुम
चाहते क्या हो? युद्ध, महायुद्ध, यही मेरी महत्वाकांक्षा है प्रभु। महायुद्ध की महत्वाकांक्षा? हां आदिदेव, मैं युद्ध के बिना जी नहीं सकता। केवल अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए युद्ध करना और अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारना अधर्म है वत्स। तुमने तो समस्त लोगों पर विजय पाई है, इसलिए निश्चिंत होकर राज करो, प्रजा को भी सुख दो और स्वयं भी सुख भोगो। हे सदाशिव, आप कल्प वृक्ष हैं, भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं, भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। हे भोलेनाथ, क्या आप मेरी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे? हे भोलेनाथ, मैं महायुद्ध चाहता हूं। इस पूरे त्रिलोक में मेरी बराबरी करने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कोई योद्धा नहीं। हे देवाधिदेव, हमारा पुत्र बाण तो आपसे भी बराबरी करने की दुष्टता दिखा रहा है। अहंकार से उठा हुआ इसका सिर आकाश में भी छेद करने लगा है। भगवान, अब इसके अहंकार का नाश होना ही चाहिए। वत्स, निराश क्यों होते हो? इसका अर्थ मुझे महायुद्ध करने का अवसर प्राप्त होगा महादेव। हाँ वत्स, हम तुम्हारी इच्छा को स्वीकृति देते हैं। कब? जब कार्तिकेय से प्रदान किया हुआ तुम्हारा तेजस्वी ध्वज ध्वस्त हो जाएगा, तब समझ लेना कि महायुद्ध का अवसर आ पहुंचा है। प्रभु, उस समय तुम्हें मेरे बराबर के योद्धा से युद्ध करना होगा वत्स। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है, आप धन्य है। वत्स, मनोवांछित वरदान पाकर भी प्रसन्न नहीं हुए? नहीं मातेश्वरी, मैं केवल युद्ध प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं कर रहा था, बल्कि मैं आपसे अनुग्रहित होने के लिए भी तपस्या कर रहा था। महादेव ने तो तुम्हें युद्ध का वरदान दिया है। परंतु मातेश्वरी, आप क्या मुझे कुछ नहीं देंगी? अब तुम मुझसे क्या चाहते हो वत्स? मातेश्वरी, अपनी पुत्री राजकुमारी के लिए उत्तम वर, एक ऐसा योग्य राजकुमार जिसे मैं अपना जमाई बना सकूं। उषा के लिए? हां मातेश्वरी, मेरी पुत्री उषा अब विवाह के योग्य हो गई है, परंतु वो चाहती है कि उसके पति का चयन आप स्वयं करें। तुम्हारी और तुम्हारी पुत्री उषा की ये इच्छा भी पूरी होगी वत्स?